एक महत्वपूर्ण खबर आई है कि शिक्षा विभाग ने इस वर्ष के लिए जो आदेश निकाला था कि पूजा की छुट्टियों में कटौती कर दी गई थी, उसे नीतीश कुमार के निर्देशों के अनुसार वापस ले लिया गया। इस तरह शिक्षा विभाग एक तुगलकी निर्णय से बच गई। दर्शकों को हम ध्यान दिलाएं कि हमने आपसे यह अनुमान शेयर किया था कि नीतीश कुमार मुंबई मीटिंग के बाद जैसे ही अवकाश मिला और नीतीश कुमार के सामने उनके दल के नेताओं और शिक्षकों की शिकायत गई, समाज में बन रहे क्याओस का अंदाज़ा हुआ। नीतीश कुमार ने पूजा की छुट्टियों में कटौती के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए निर्देशित किया और शिक्षा विभाग ने अपने निर्णय को वापस ले लिया। जनतंत्र में तुगलकी तरीके से सुधार स्थायित्व नहीं पाता है और कम से कम एक निर्णय था के पाठक का, शिक्षा विभाग का, जिस पर पुनर्विचार की सख्त आवश्यकता थी। बड़ी खबर यह आ रही है कि यह पुनर्विचार हुआ और शिक्षा विभाग ने आज ही अपने निर्णय को वापस लेने की घोषणा कर दी। बने रहिए विमर्श न्यूज की अगली खबरों पर। शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 21,400 सिपाही बहाली होनी है और इसके लिए 18 लाख आवेदन पड़े हैं। सिपाही बहाली का तरीका यह बताया जा रहा है कि इनमें से लिखित परीक्षा द्वारा लगभग 17 लाख आवेदन फेल कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही 1,10,000 के करीब अभ्यर्थी अगले दौर के लिए चुने जाएंगे। फिजिकल टेस्ट के बाद यह बहाली होगी। रोजगार देने की दूसरी खबर पर लंबे समय से राजनीति चल रही है। शिक्षकों के 1,70,000 पदों के लिए परीक्षा में लगभग 8 लाख अभ्यर्थी भाग ले चुके हैं और अब अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच हो रही है। बिहार में रोजगार देने के नाम पर खास किसी एक वैकेंसी की खबर को बार बार घोषित किया जाता है। इस तरह धोखा देते रहने की सरकारी कोशिश जारी है। उद्यमियों के लिए बिहार सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए 5 लाख की सहायता और 5 लाख का कर्ज देने का प्रस्ताव दिया था, जिसके आधार पर लगभग 60,000 आवेदन को स्क्रूटनी करने के लिए रख दिया गया। आवेदकों ने इसके लिए GST सर्टिफिकेट बनवाया था। इसके लिए सभी ने फॉर्म के नाम पर करंट बैंक अकाउंट खोल रखा था। करंट अकाउंट में उन्हें 10,000 का बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है, परंतु यह फाइल ठंडे बस्ते में है। दूसरी खबर है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र उदय निधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर चोट किया है और यह कहा है कि इसका विनाश इस तरह करना है जैसे डेंगू का कर रहे हैं। इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के कैंप से आक्रमण जारी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदय निधि का ये बयान जो 2 दिन पहले दिया गया कि सनातन धर्म को समाप्त करना है। कांग्रेस के एक बड़े नेता चिदंबरम के बेटे ने भी ऐसा किया। 2 दिन हो गए हैं, जितनी पीड़ा किसी भी सनातन धर्मी को हुई होगी उससे ज्यादा पीड़ा हमें हो रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और यह भी बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए न जाने कितने लोग आए और समाप्त हो गए, स्वयं उनकी पीढ़ियां समाप्त हो गईं। लेकिन आज एक बड़ा सवाल यह होता है, 2 दिन हो गया इन बयानों के और ये सभी लोग एक गठबंधन बना करके इसमें पॉलिटिकली लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक वकील ने उदय निधि स्टालिन पर आरोप लगाते हुए मुकदमा किया है कि इससे सनातन हिंदू भावना आहत हुई है। घरेलू गैस में सब्सिडी को लेकर कांग्रेस का स्लोगन आकर्षण का विषय बना रहा। बैनर पर इस तरह के नारों पहले लूट अब छूट के साथ झारखंड में जगह जगह पर कांग्रेस कर्मियों ने प्रोटेस्ट कार्यक्रम किए हैं। रांची जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। झारखंड के राज्यपाल भवन के पास देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के केंद्रीय नेता सुबोधकांत सहाय, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए। धरना में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ केंद्रीय नेता ने कहा कि महंगाई का मसला केंद्र सरकार की प्राथमिकता नहीं रही है। गैस का दाम 200 रुपए घटाना पॉलिटिकल स्टंट है।
है कि 200 बार महंगाई बढ़ी है इन सारी चीजों। आज 5 राज्यों के सरकार हो रही, चुनाव होने जा रहा है तो जले पे नमक डालने का काम किया है और 200 रुपया घटाकर लोगों के दरवाजे पहुंचने का कोशिश कर रहा है। इतनी बेईमान, इतनी संवेदनहीन सरकार अगर ये है, संसद को सरकारी पार्टी के लोग नहीं चलने देते। हम विपक्ष नहीं, वहाँ कोई सवाल पे बहस नहीं होता है, महंगाई पे तो होता ही नहीं है, बेरोजगारी पे तो होता ही नहीं है, यहाँ तक कि मणिपुर जैसे सवाल पे बहस नहीं होता। तो रोड पे आए सिवा दूसरा क्या किया जाए, इसीलिए ये रोड पे महंगाई के लड़ाई को देशव्यापी हम लोग लड़ रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी में हो रहे उपचुनाव के लिए चुनाव संचालित करने वाले कर्मचारी ड्यूटी पर आ गए हैं और उन्हें ईवीएम संबंधी जानकारी दी गई है। डुमरी विधानसभा में भाजपा के समर्थन से आज आजसू उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम के उम्मीदवार आमने सामने हैं। असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम से भी एक उम्मीदवार ने चुनाव को त्रिकोणात्मक बना दिया है। जबकि G20 सम्मेलन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन सहित ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, ब्राजील और इंडोनेशिया के प्रमुख 8 सितंबर को ही भारत में आ रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली नहीं आ रहे हैं। इसका कूटनीतिक मतलब तो अभी आगे और समझा जाएगा, परंतु चीन ने पश्चिमी लद्दाख सीमा पर LAC का उल्लंघन जारी रखा है। उसमें चीन के राष्ट्रपति का अंतिम समय का तरीका चिंता वाला है। विमर्श के दर्शकों को हमने शुरू से ध्यान दिलाया था, जोहानिसबर्ग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के साथ अलग से वार्ता करके सीमा मसले पर एक वातावरण बनाने की पहल की थी। माना जा रहा था कि शी जिनपिंग G20 सम्मेलन में आने के पहले सीमा पर से अपनी सेना को पीछे हटने का संकेत देंगे, परंतु यह विश्वास पानी में घुल गया। इस बीच चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय से एक विवादित नक्शा जारी किया गया, जिससे भारत ही नहीं कंबोडिया और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों का सीधा विरोध था। अब यह स्पष्ट हो गया है कि चीनी राष्ट्रपति की जगह वहां के प्रधानमंत्री ली क्विंग G20 शिखर सम्मेलन में भारत आएंगे।